आप चुपचाप बैठो, मैं अपनी झोली से एक कहानी निकालती हूँ। सुनो, एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर आता है। क्यों जी, आज कुछ भिक्षा मिली? यही कुछ चावल मिले हैं, बस एक वक्त का ही जुटा है। आज रात फिर उपवास करना होगा। इस तरह कब तक चलेगा? भगवान क्या कभी हमारी तरफ नहीं देखेंगे? हाँ, भगवान ही जानता है। सबकी बात सुनेंगे आज महान जमींदार। अजी सुना, लगता है भगवान की दया हो गई। देर ना करके जाओ ना जमींदार के दरबार, हमारे दुख की बात सुनकर वो जरूर कुछ उपाय करेंगे। कहती हो तो जाता हूँ, पर लगता नहीं इस फूटी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। सुना है इस गांव में भूतों का उत्पात है? बिल्कुल हुजूर, गांव के उत्तर में एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ पर भूतों का वास है। ये बात है? ठीक है ठीक है। आया, दिन के समय तो कोई डर नहीं ना? तो मतलब दिन के समय भूत दिखेंगे? नहीं हुजूर, दिन को वो दिखाई नहीं देते, चरवाहे गाय चराने वाले, कभी नहीं देखा। ठीक है तो फिर डर किस बात का? हुजूर, जो डर है बस रात को, दिन ढले इस जंगल के रास्ते कभी कोई नहीं जाता। एक रात एक गंवार गोविंद ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे से जा रहा था, वो और जिंदा नहीं लौटा, भूतों ने उसे मारकर अपने दल में मिला लिया। हुजूर, तब से रात को कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता। समझा, भयानक बात है। समझे ना, सूरज डूबने से पहले ही महल लौटना होगा। सब गौर से सुनो, जो आदमी अमावस्या की रात को अकेला जाकर उस पीपल पेड़ की एक डाल तोड़कर ले आएगा, मैं उसे 100 बीघा जमीन बिना लगान इनाम दूंगा। तुम में से कौन तैयार है? है, हाथ उठाओ। क्या हुआ?